मेरे दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पुलाव, जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पुलाव के लिए मैंने ली हूँ एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है, और प्याज है, ये मैंने बारीक बारीक काट ली हूँ। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, ये हल्दी है और नमक है। तो ये प्याज को जो है हम मटन में डाल देंगे। और ये हल्दी भी डाल देंगे इसमें हम, आधा चम्मच है हल्दी। और इसमें डालेंगे हम नमक, 1 चम्मच नमक डालेंगे। और डालूंगी ये पानी, आधा गिलास पानी पीते हैं जो, बस आधा गिलास पानी डालेंगे और इसे ढक्कन इसका लगा के चूल्हे पर रखेंगे। तो ये तीनों चीज़ को मैं जो है मिला के और इसे ढक चूल्हे पे रख देंगे गलने के लिए गोश्त को। और जब ये गल जाएगा तो फिर आगे बताती हूँ मैं। तो दोस्तों, मैंने ले ली हूँ हमारे कुछ मसाले जिसे पीसना है। तो हमारे पहले खड़े गरम मसाले देख लेते हैं। दालचीनी का टुकड़ा है, ये 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा ले ली हूँ। 3 हरी इलायची है और आधा चम्मच काली मिर्च है, 10-15 होगा, और 4-5 लौंग है, और 2 बड़ी इलायची है, पुदीना, हरी मिर्ची है, ये हरी मिर्ची है, 8-9 हरी मिर्ची है, थोड़ा सा हरा धनिया है। और ये फ्रेंड्स, हरे धनिए का डंठल जो रहता है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, जो नरम डंठल रहता है उसको मैं भी पीस लेती हूँ उसको, तो खुशबू बिल्कुल हरे धनिए जैसी ही आती है। और मैंने कुछ खड़े गरम मसाले जो है ली हूँ पीसने के लिए, ये मिल गया है मेरा। तो ये जो है आधा चम्मच जीरा ली हूँ, और आधा चम्मच से कम जो है ये काली मिर्च है, ये भी है 10-15, और 3 हरी इलायची है, 1 जावित्री का छोटा सा टुकड़ा है, और आधा इंची है दालचीनी का टुकड़ा, और ये है 4 लौंग। ये जो है हम तेल में जब पहले मसाला डालते हैं ना, उसके लिए ली हूँ। तो ये फ्रेंड्स, मैं ली हूँ कम से कम 1.5-2 इंची अदरक का टुकड़ा था, और ये ली हूँ 16-17 ये कली लहसुन की है, और ये मैं ली हूँ प्याज, 2 प्याज ली हूँ मीडियम साइज़ का काट ली हूँ। तो ये जो हमारे मसाले हैं उसे पीस लेंगे। तो पहले इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन, फिर इसमें जो हमारा प्याज है उसको डालेंगे, और इसमें जो हमारे गरम मसाले वो डाल देती हूँ। और ये पुदीने को भी डाल देती हूँ मैं इसमें। और जो हमारी डंठल है हरे धनिए का, फिर इसमें आ नहीं पाएगा फ्रेंड्स, मैं आधा पीस के फिर आधा डाल के बताती हूँ इसमें। फ्रेंड्स, इसमें आधा मैंने पीस ली हूँ, और ये जो है पत्ती पत्ती जो ली थी मैंने, इसको अलग कर दूँगी, पुलाव बनाते टाइम काट के डाल दूँगी। बाकी जो डंठल है इसे जो है पीस लूँगी पूरे को, ये पानी डाल के पीसने से ये पूरा पिसा जाता है। बाकी जो है हम डालेंगे पुलाव बनाते टाइम, तो उसे भी पीस के बताती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने पीस ली हूँ पूरा डंठल के साथ में, ये हरे धनिए के, बताती हूँ, ना बारीक है ना मोटा है, तो ऐसे ही पीस लेना है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गंज जो हमारा गर्म हो गया है इसमें डालूँगी मैं 4 चम्मच तेल, तो मैंने तेल डाल दी हूँ। तेल गरम हो जाएगा तो हमारे खड़े गरम मसाले डालेंगे। तेल गरम हो गया तो हमारे जो खड़े गरम मसाले हैं वो डाल देंगे इसमें।
और ये जो है खाने के चम्मच से कम 5-6 चम्मच हमारा जो पिसा हुआ मसाला था वो डालेंगे। अभी मैं देख लेती हूँ कि और कितना लगेगा। मसाले को जो है तेल छोड़ने तक भूनना है, जो भी टाइम लगेगा 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट आप अपने हिसाब से भूनना। लहसुन और प्याज पीसी थी तो उसमें से मैंने बस थोड़ा सा 1 चम्मच जितना बचा ली हूँ, बाकी सब मैंने डाल दी हूँ। और ये जो है मैं दाल बनाऊँगी ना तो उसमें डालूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें हम अभी डाल देंगे हरी मिर्ची, जो लिए थे खड़ी हरी मिर्च वो डाल देंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो ये मैंने हरी मिर्च डाल दी हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा पुदीना जो है उसमें पीसी थी और थोड़ा सा पुदीना मसाले में डाल दूँगी, इससे खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छी आती है पुलाव की। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी को, आपको मज़ा आएगा बना के और खा के भी। और इसे धीरे ढक के मैं स्लो आंच पे पका लेती हूँ। थोड़ी देर में जो है इसे ढक्कन खोल के देखते रहेंगे, मसाला मतलब पुदीने में नीचे लगे थोड़ा जिसमें मसाले डल जाएगा तो ये मैंने खोल के देखी तो मेरा मसाला वहाँ चला गया था, तो मैंने चला ली फिर ढक के, फिर पकाऊंगी 5 मिनट, फिर देखेंगे उसके बाद। फ्रेंड्स ये जो है हमारा मटन जो है गल गया है, थोड़ा सा पानी है तो इसे मैं सुखा लेती हूँ, फिर इसे डालेंगे मसाले में। तो फ्रेंड्स मैं दाल बनाने के लिए ली हूँ चने की दाल जो है 1 कप चाय पीने के कप से, और लाल मिर्च का पाउडर ली हूँ, हल्दी पाउडर है, 2 टमाटर है और 3 हरी मिर्ची है, और जो मसाला मैंने पीसी थी उसमें से 1 चम्मच मसाला मैंने बचा ली हूँ दाल के लिए। तो चलिए अब दाल बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने मटन को रख दी थी, इसमें पानी था ज़्यादा तो उसको पानी सुखाने के लिए चूल्हे पे रख दी थी। तो पहले मैंने मटन का पानी सुखा ली, आप देख सकते हैं इसका पानी सूख गया है, और इसे मैं डाल दूँगी अब सालन वो मसाले के अंदर। तो फ्रेंड्स मैंने गैस बंद कर दी थी, तो देख सकते हैं हम कि बन खा मैंने उसको, क्योंकि मसाला जो है हमारा मेरा जो है भुन गया था और 15-20 मिनट हो गए थे, तेल भी छोड़ दिया था तो मैंने बंद कर दी थी। अगर मैं चालू होता गैस तो मसाला जल जाता, और वो मटन का पानी सूखने का मैं वेट कर रही थी। तो अब सूख गया है, फिर से मैंने चूल्हा जला के अब इसमें डाल दी हूँ और इसको भून लूँगी कम से कम 10-15 मिनट तक, ताकि मटन के अंदर भी मसाला अच्छे से चले जाए। तो ऐसे धीरे धीरे चला चला के भून लेंगे, तेल देख सकते हैं आपकी कितना छोड़ा है मसाला। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको या फिर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो ये मैंने कुकर रख ले, और जो है इसमें इसका पानी सूख जाता है तो फिर इसमें तेल डालेंगे हम लोग। ये मसाला हमारे हो रहे हैं, ये मसाला जो पकड़ रहा है तो इसे जो है पानी डालूँगी थोड़ा सा मैं, ताकि ये जले ना नीचे से। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया, आधा गिलास से रुपये मसाला भून गए हमारे, और अब जो है ये पानी सूख गया कुकर का। तो वो इसमें डालेंगे तेल। तो फ्रेंड्स मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच तेल, कुकर हमारा गर्म हो गया है। तो तेल गर्म हो गया है, इसमें डालूंगी मैं मसाला जो बचा के रखी थी पिसा हुआ 1 चम्मच, तो मसाला डाल के। तो फ्रेंड्स मैंने मसाले डाल दी हूँ, अब इसमें जो है डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, क्योंकि ये मसाला ऑलरेडी थोड़ा सा है मेरे पास पहले से पिसा हुआ रखे रहता है अदरक लहसुन, तो वो मैं आधा चम्मच डाली हूँ।
और इधर मेरा मसाला भी गिर गया है, इसलिए मैं ये मसाले को भी देख ले रही हूँ ताकि हमारा मसाला चले नहीं। और फिर जो है बाद में डालेंगे हरी हरी मिर्च, डालना भूल गई थी तो वो भी यही स्टेज पर डालते हैं। तो मैंने हरी मिर्च डाल दी और टमाटर मैंने काट के डाल दी हूँ। ये दाल झटपट बन जाती है, बस थोड़ा गलने में टाइम लगता है। और टमाटर के बाद मैंने नमक डाल दी हूँ और हरी मिर्च का पाउडर जो है 1 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाली हूँ इसमें। और इस सबको पूरा मिला के फिर इसमें मैंने धो ली पहले से धो के अब दाल डाल दी और अच्छे से साफ़ करके मैंने दाल डाल दी हूँ। और पानी डाल रही हूँ एक गिलास ये पानी है हमारा। और इसे डाल के और चला के इसे ढक्कन बंद कर देंगे और इसे गलने तक के धीरे, पहले तो पूरी सीटी भर जाएगी जब तक रखना है, फिर कम आँच पे रखना है। और इधर मैंने बंद कर दी थी गैस को क्योंकि हमारा मसाला जो है जल जाता था, तो मेरे से दो दो में वीडियो शूट कर रही थी इसलिए मेरे से नहीं हो पा रहा था एक साथ, तो मैंने चूल्हा बंद कर दी थी। और अभी मैंने जलाई चूल्हा तो ये मसाला भुन मतलब गर्म हो गया था। फिर इसमें मैंने पानी डाली हूँ। मैं जो है चावल बना, 1.5 गिलास चावल का बना रही हूँ पुलाव, तो इसमें मैं डालूँगी 3 गिलास पानी। और ये गंज में बना रही हूँ तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो 3 गिलास ठीक है 1.5 गिलास चावल के हिसाब से। और कुकर में बनाते तो थोड़ा सा कम पानी डालते हैं, तो मेरे को इसमें नमक कम लग रहा था तो इसमें मैंने फिर से नमक डाली हूँ। और आप जो है आप चख लेना अपने हिसाब से नमक। और ये मैं हरी इलायची को कूट ली हूँ बारीक और उसे डाल रही हूँ, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है पुलाव का। तो ये मैंने हरी इलायची भी डाल दी कूट के। अब जो है अदहन जो बोलते हैं पानी बॉयल होने का वेट करेंगे, और जब पानी हमारा बॉयल हो जाएगा तो उसमें फिर चावल डालेंगे। तो चावल में अदहन आ गया है, पानी बॉयल होने लगा है अच्छे से, तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी धो के। तो मैंने जो है धीरे धीरे डाल रही हूँ ताकि वो हाथ पे जो है पानी उछलता ना, मेरे को बहुत डर लगता है, तो वो मैंने ये चावल डाल रही हूँ। और इसे जो है फ़िलहाल शुरू में तो तेज़ आँच पे पकाएंगे, जब थोड़ा सा पानी सूख जाएगा तो फिर धीरे आँच पे पकाएंगे। और इसे चम्मच से चला लेंगे ताकि चावल जो है नीचे बैठे नहीं, जले नहीं, लगे नहीं वो। तो जो भी है वो मैंने थोड़ी देर के लिए और रख दी थी बिल्कुल स्लो आँच पे, दम पे बोलना चाहिए, तो दम पे रखी थी। और अभी मैं देख लेती हूँ तो हमारा पुलाव हो गया है रेडी। और इसे जो है ऊपर नीचे चला लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत कच्चापन रहेगा तो आपस में मिक्स हो के भाप से हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा पुलाव कि कैसा लग रहा है देखने में, और देखने से ही टेस्टी लग रहा है। तो मैं तो हमेशा बनाती हूँ, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आता है, आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसे बना है आपका पुलाव। देख सकते हैं फ्रेंड है ना अच्छा पुलाव। तो इसे ढक के रख देती हूँ। अब चलते हैं दाल की तरफ, देखते हैं दाल हमारी गली है कि नहीं। तो देखने से तो लग रहा है कि दाल हमारी गल गई है, तो इसमें डालेंगे हम 1/2 गिलास पानी और दाल घोटनी से जो है इसे घोट लेंगे। देख सकते हैं आप दाल हमारी कैसे गल गई है, एकदम मसलने से मसला जा रहा है, तो मतलब हमारी दाल गल गई है। अभी दाल घोटनी से इसे घोट लेंगे बिल्कुल बारीक, मतलब कर लेंगे, खड़ी नहीं होनी चाहिए दाल। तो फ्रेंड्स मैं जो है 1 चम्मच तेल डाल दी हूँ एक गंज में, और उसमें ज़ीरा डाल दी हूँ 1/2 चम्मच तक के। और जो इसमें डाल दूँगी मैं घोट के रखी थी, ये तड़कने लग जाएगा जब डालना है। ये मैंने दाल डाल दी और जो कुकर को पानी से जैसे धो के उस वो भी डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम सूखा खटाई, जो कच्चे आम को सुखा के मैं रखती हूँ वो डाल देती हूँ, अमचूर पाउडर नहीं होता तो वो मैंने सूखी खटाई डाल दे रही हूँ।
और इसको जो इसमें जो है गरम मसाला 1 चम्मच डालेंगे, उसका पाउडर है गरम मसाले का, और हरा धनिया है, हरे धनियों को डाल देंगे और इसको कम से कम 10 मिनट तक के तेज़ आंच पे उबालेंगे। और स्लो आंच पे भी अगर हो सके तो उबाल लीजिएगा, 10-15 मिनट तक ये उबल जाएगा तो इसका दाल की जो दाल का जो टेस्ट रहता है बहुत ही अच्छा आता है, उभर के आता है। तो ये मेरी दाल उबल गई है, बॉयल आ गया है इसमें, तो मैंने 10-15 मिनट पका ली थी इसको अच्छे से स्लो आँच पर। और देखिए, देख सकते हैं ये मेरी दाल हो गई है रेडी, कैसी है दाल मेरी क्वांटिटी और इसका वो लुक।